माँ भारती विद्या मंदिर अयारी हरदोई प्रेजेंट ए टेल ऑफ टू बर्ड्स। टेल मीन्स कहानी, टू बर्ड्स माने दो चिड़िया, दो चिड़ियों की कहानी। देयर वंस लिव्ड ए बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन ए फॉरेस्ट। देयर वहां वंस एक बार लिव्ड रहती थी एक चिड़िया एंड हर टू न्यू बॉर्न और उसके नए जन्मे हुए बेबीज बच्चे इन ए फॉरेस्ट एक जंगल में। एक बार एक चिड़िया और उसके दो बच्चे नए जन्मे बच्चे जंगल में रहते थे। दे हैड ए नेस्ट इन ए टॉल शेडी ट्री एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। दे वे हैड रखते थे ए नेस्ट ए घोंसला इन ए टॉल एक लंबे शेडी ट्री छायादार पेड़ और देयर द मदर बर्ड और वहां जो माँ चिड़िया थी टू केयर देखभाल करती थी देयर लिटिल वंस अपने छोटे छोटे बच्चों की डे एंड नाइट रात दिन। वन डे देयर वाज ए बिग स्टॉर्म एक दिन वहां बहुत बड़ा तूफान आया। देयर वाज थंडर वहां बादलों की गड़गड़ाहट थी लाइटनिंग बिजली की चमक थी एंड रेन और बरसात हुई एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज और हवा ने मैनी ट्रीज बहुत सारे पेड़ों को ब्लू डाउन नीचे गिरा दिया। द टॉल ट्री लंबा पेड़ इन बिच जिसमें द बर्ड्स लिव्ड चिड़िया रहती थी आल्सो केम डाउन वो भी नीचे गिर गया। ए बिग ट्री ए बिग एक बड़ा हैवी ब्रांच एक बड़ी और भारी शाखा हिट द नेस्ट घोंसले से टकराई एंड किल द बर्ड और उसने चिड़िया को मार दिया। फॉर्चुनेटली सौभाग्य से फॉर द बेबी बर्ड्स बच्ची चिड़ियों के लिए द स्ट्रांग विंड मजबूत हवा ताकतवर हवा ब्लू देम अवे उनको दूर उड़ा ले गई टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट जंगल की दूसरी साइड में। वन ऑफ देम उनमें से एक केम डाउन नीचे आई नियर ए केव एक गुफा के पास फेयर ए गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड जहां डकैतों का रॉबर्स मीन डकैत गैंग मीन समूह डकैतों का एक गैंग या समूह लिव्ड रहता था। द अदर लैंडेड और जो दूसरा पक्षी था लैंडेड उतर गया आउटसाइड ए ऋषि आश्रम एक ऋषि के आश्रम के आउटसाइड मीन्स बाहर में ए लिटिल डिस्टेंस अवे थोड़ी ही दूर पर। डेज पास्ड दिन गुजरते रहे एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स और जो बालक चिड़िया थी बच्चा चिड़िया थी बिकेम बिग बर्ड्स बड़ी चिड़ियों में बदल गई। वन डे एक दिन द किंग ऑफ द कंट्री उस देश का राजा केम टू द फॉरेस्ट जंगल में आया टू हंट शिकार के लिए। ही सॉ ए डियर उसने एक हिरन को देखा एंड रोड आफ्टर इट और इसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया। इट रेन डीप इन टू द फॉरेस्ट इट यानी हिरन रेन दौड़ गया डीप गहरे इन टू द फॉरेस्ट जंगल में हिरन गहरे जंगल में दौड़ गया फॉलोड बाई द किंग राजा के द्वारा पीछा किया जाता हुआ। सून द किंग लॉस्ट और जल्दी ही सून मीन जल्दी ही किंग लॉस्ट राजा खो गया हिज वे अपना मार्ग यानी राजा अपना रास्ता भूल गया एंड डिड नॉट नो और नहीं जानता था वेयर ही वाज कि वो कहां था। ही रोड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम घोड़े को दौड़ाता रहा फॉर ए लॉन्ग टाइम एक लंबे समय तक टिल ही केम टू द अदर साइड जब तक कि वो आया टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट जंगल के दूसरे साइड में। वेरी टायर्ड बाई नाउ बहुत थका हुआ बाई नाउ अब तक वो बहुत थक गया था। ही गॉट ऑफ वो उतरा हिज हॉर्स अपने घोड़े से एंड सेट डाउन और बैठ गया अंडर ए ट्री एक पेड़ के नीचे दैट स्टूड नियर ए केव जो एक गुफा के पास खड़ा था। सडनली अचानक से ही हर्ड ए वॉइस उसने एक आवाज सुनी क्राई आउट चिल्लाहट की आवाज सुनी क्विक हरी अप जल्दी करो शीघ्रता करो देयर इज समवन वहां कोई है अंडर द ट्री पेड़ के नीचे कोई है कम आओ एंड टेक हिज ज्वेल्स उसके जवाहरात ले लो एंड हिज हॉर्स उसका घोड़ा ले लो हरी अप जल्दी करो आर इल्स नहीं तो ही विल स्लिप अवे वो खिसक जाएगा। द किंग वाज अमेज्ड
राजा बड़ा आश्चर्यचकित था, ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा एंड सा और देखा ए बिग ब्राउन बर्ड, एक बड़ी भूरी चिड़िया को ऑन द ट्री, पेड़ पर, अंडर विच, उस पेड़ के नीचे जिसके ही वाज सिटिंग वो बैठा था। ही आल्सो हर्ड, उसने यह भी सुना फैंट नॉइजेस, धीमी धीमी आवाजों को, इशूइंग फ्रॉम द केव, जो गुफा से बाहर आ रही थी। ही क्विकली गॉट ऑन, वो जल्दी से सवार हुआ टू हिज हॉर्स, अपने घोड़े पर, एंड रोड अवे, और सवारी काटी एज फास्ट एज ही कुड, उतनी तेज जितनी वो कर सकता था। सून शीघ्र ही केम वाया टू ए क्लियरिंग, एक साफ मैदान में, विच जो लुक्ड दिखता था लाइक एन आश्रम, एक आश्रम की तरह। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, ये ऋषि का आश्रम था। द किंग, राजा ने टाइड हिज हॉर्स, अपना घोड़ा बांध दिया टू ए ट्री, एक पेड़ से, एंड सेट डाउन, और बैठ गया इन इट्स शेड, इसकी छाया में। सडनली, अचानक से, ही हर्ड, उसने सुना ए जेंटल वॉइस, एक अच्छी सी मधुर आवाज, अनाउंस, घोषित हुई, वेलकम टू द आश्रम। उसने एक मधुर आवाज गूंजती हुई सुनी, वेलकम टू द आश्रम, आश्रम में स्वागत है सर, श्रीमान जी, प्लीज गो इनसाइड, कृपया अंदर जाइए एंड रेस्ट, और आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि विल बी बैक, आएंगे वापस सून, जल्दी ही। देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, देयर इज सम कोल्ड वाटर, वहां कुछ ठंडा पानी है, इन द पॉट, बर्तन में। प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, कृपया बनाए योर सेल्फ, अपने आप को कंफर्टेबल, आरामदायक, कृपया आराम को महसूस करें। द किंग लुक्ड, राजा ने देखा अब ऊपर की ओर, एंड सा और देखा ए बिग ब्राउन बर्ड, एक बड़ी भूरी चिड़िया को, इन द ट्री, पेड़ पर। ही वाज अमेज्ड, वो आश्चर्यचकित था, अमेज्ड मींस आश्चर्यचकित। दिस वन लुक्स लाइक द अदर वर्ल्ड, यह एक भी दिखती है दूसरी चिड़िया की तरह, आउटसाइड द केव, जो गुफा के बाहर थी। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, उसने लाउडली जोर से कहा, हिमसेल्फ अपने आप से, यू आर राइट सर, आप ठीक कह रहे हैं सर, आंसर द बर्ड, चिड़िया ने उत्तर दिया, ही इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है, बट, लेकिन, ही हैज मेड फ्रेंड्स, उसने मित्रता बना ली है विद रॉबर्स, डकैतों के साथ। नाउ ही नाउ टॉक्स, अब वो बातचीत करता है एज दे डू, जैसे वे करते हैं। ही डज नॉट टॉक, वो बात नहीं करता है टू मी, मुझसे, एनी मोर, और अधिक, वो मुझसे ज्यादा बात नहीं करता है। जस्ट देन द ऋषि इंटर्ड, जस्ट देन, ठीक तभी ऋषि इंटर्ड, ऋषि प्रविष्ट हुए द आश्रम, आश्रम में। वेलकम सर, स्वागत है श्रीमान जी। ही सेड टू द किंग, उन्होंने कहा राजा से, प्लीज कृपया कम इनसाइड, अंदर आइए, एंड मेक योर सेल्फ एट होम, एंड मेक योर सेल्फ, और अपने आप को बनाइए एट होम, घर पर, यानी अपने घर जैसा महसूस कीजिए। यू लुक टायर्ड, आप दिखते हैं टायर्ड, थके हुए, रेस्ट फॉर ए व्हाइल, रेस्ट, आराम करें फॉर ए व्हाइल, थोड़ी देर के लिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, देन, तब यू कैन शेयर, आप हिस्सा ले सकते हैं माई फूड, मेरे भोजन में, अर्थात मेरे साथ भोजन करें। द किंग टोल्ड द ऋषि, राजा ने बताया ऋषि को द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स, दो चिड़ियों की कहानी को, एंड और ये भी बताया हाउ ईच, कैसे प्रत्येक हैड बिहेव, कैसे प्रत्येक ने व्यवहार किया था, सो डिफरेंटली, इतने अलग तरीके से, दो यद्यपि दे लुक, वे दिखती थी सो लाइक, बिल्कुल एक जैसी, जब एक जैसी दिखती थी फिर भी उन्होंने अलग अलग प्रकार से व्यवहार किया। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेज, फॉरेस्ट जंगल फुल भरा हुआ है सरप्राइजेज, आश्चर्यों से। ही सैड, उसने कहा, द होली मैन स्माइल्ड, जो पवित्र व्यक्ति यानी ऋषि स्माइल्ड, मुस्कुराया एंड सैड, उसने कहा आफ्टर ऑल, सबके बावजूद, वन इज नोन, एक व्यक्ति जाना जाता है बाय द कंपनी, उस संगति से, वन कीप्स, जो रखता है, यानी एक व्यक्ति जैसे मित्र रखता है उसी से पहचाना जाता है। दैट वर्ड, उस चिड़िया ने, हैज हर्ड, सुना है ऑलवेज, हमेशा, द टॉक ऑफ रॉबर्स, डकैतों की बातचीत को। ही इमिटेट्स, वो नकल करती है
अनुकरण करती है, नकल करती है, इमिटेट्स मींस देम उनको, वह उनकी नकल करती है, एंड टॉक्स और बातचीत करती है अबाउट रॉबिंग पीपुल, डकैती करने वाले लोगों के बारे में। दिस वन हैज रिपीटेड, इस एक ने दोहराया है, व्हाट ही हैज ऑलवेज हर्ड, जो उसने हमेशा सुना है। ही वेलकम्स पीपुल, वो लोगों का स्वागत करता है टू द आश्रम, आश्रम में। नाउ अब कम इनसाइड, अंदर आओ, एंड रेस्ट और आराम करो। आई टेल यू मोर, मैं तुम्हें बताऊंगा मोर, अधिक, अबाउट दिस प्लेस, इस जगह के बारे में, एंड दीज वर्ड्स, और इन चिड़ियों के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।